कैप्टन ईशा और समर्थ की हो चुकी है लड़ाई, जहां ईशा ने दे दी है समर्थ को सरेआम धमकी। आखिर ऐसा क्या कर दिया समर्थ ने, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं फीफा फोर्स। ईशा और समर्थ बिग बॉस के घर में निब्बा निब्बी हैं। हालांकि आजकल तो निब्बा निब्बी नील ऐश्वर्या है, मुनव्वर आयशा है, अब खैर क्या कर सकते हैं। ऐसे में यहाँ पर जो ईशा और समर्थ है वो वाकई में निब्बा निब्बी है, दोनों ही कम उम्र के हैं। तो ऐसे में यहाँ पर दोनों हर छोटी छोटी बात पे लड़ते हुए नजर आते हैं और बात बात पर ब्रेकअप करते हुए नजर आते हैं। अब ऐसे में यहाँ पर ईशा जो है कई सारी जिम्मेदारियां भी उठा रही है, क्योंकि बिग बॉस के घर में कैप्टन बन चुकी है। अब कैप्टन बनने के बाद तो सबसे बड़ा टास्क ईशा के लिए खुद ही है कि भाई सुबह 8 बजे उठकर सबको उठाना है, क्योंकि ईशा तो खुद 12 बजे उठती हैं, लेकिन अब तो 8 बजे उठना है और सबको उठाना है, ये सबसे बड़ा टास्क है ईशा के लिए खुद ही। और ऐसे में ईशा सब कुछ मैनेज भी कर रही है, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ईशा और समर्थ में गंदी लड़ाई हो चुकी है। काफी कुछ यहाँ पर दोनों एक दूसरे कहते हैं माँ को मतलब बीच में, मम्मी की बात मत कर, मम्मी की बात मत कर, यहाँ पर दोनों इस तरीके की ही बात कर रहे हैं। लड़ाई काफी आगे बढ़ जाती है और जहां ईशा कहती है कि तुझे क्लोजर चाहिए ना, तुझे कल मैं वीकेंड के बाहर पर क्लोजर दे दूंगी, तू मुद्दा उठाइयो मैं मुद्दे पे बोल दूंगी और क्लोजर दे दूंगी मैं। तो अब ऐसे में इन दोनों की लड़ाई फिलहाल तो इस तरीके की चलती ही रहती है, लेकिन वाकई में अब देखना ये होगा कि कैप्टन बनने के बाद ईशा ये बड़ा फैसला वाकई में लेती है कि वो मतलब समर्थ से वाकई में ब्रेकअप कर लेंगी और इंडिविजुअल होके खेलेंगी। फिलहाल बिग बॉस से रिलेटेड अपडेट्स को जानने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।